चाहिए तो विकास अभी 5 साल में क्यों नहीं करा है क्यों बंद करा दिए पैसा कमीशन नहीं मिला इसलिए बंद करा दिए यही विकास का नियम होता है क्या यही दोस्तों नमस्कार प्रणाम जय हिंद जोहार मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल तो आज हमारे साथ भाजपा की एक बड़ी नेत्री एक बड़ा चेहरा रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की सांसद गोमती साय मुनादी चौपाल में मौजूद हैं कई सारे सवाल हैं पॉलिटिकल सवाल हैं चुनाव से जुड़े हुए मसले हैं इन सारे मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे तो सीधे हम बात करते हैं मुनादी चौपाल में सांसद गोमती सहजी जी से मुनादी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम आप सभी को नमस्कार चुनाव का वक्त आ गया है और पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल है भाजपा ने किस सीट जारी कर दिए हैं इन सारे मसलों पे हम वो करेंगे लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो जो हमारा पहला प्रश्न है कि पहली बार बीजेपी को विपक्ष में रहने का मौका जसपुर में मिला कई सालों तक बीजेपी यहाँ सत्ता में रही प्रदेश में सत्ता किसी की भी रही हो लेकिन जसपुर में सत्ता बीजेपी की रही है तो ये पाँच साल का थोड़ा सा अनुभव बताइए ये पाँच साल कैसा रहा आपका आप लोगों का अनुभव मतलब विपक्ष में रहने का अनुभव देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये नया अनुभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी का पुराना अनुभव है विपक्ष में रहने का ये अभी जसपुर में मौका मिला है विपक्ष में रहने का लेकिन पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष की भूमिका था ये आप सब देख चुके हैं और पूरा देश देख दे चुका है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका इस बार हम लोग आठों के आठों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का विधायक के रूप में बनाएंगे ये उत्साह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे बहुत ही मतलब जोश है एनर्जी है बहुत उत्साह है और उसी उत्साह के साथ वो लोग काम में लग गए हैं इस चुनाव में आप पर सबकी नज़र है फोकस चाहे वो पब्लिक हो चाहे पार्टी हो लोग आपको एक अलग आपसे काफ़ी उम्मीद भी नजरों से आपको देख रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आप भी विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है पार्टी आपको कर रही है तो आठ विधानसभा की जिम्मेदारी और फिर आप खुद चुनाव लड़ेंगी तो कैसे काफ़ी आ देखिए मैं चार साल पाँच साल चार साल सांसद रही और चार साल में ने पूरे क्षेत्र की जनता भी और हमारे कार्यकर्ता भी भली भांति एक सांसद का कार्यशैली को देख चुके हैं और निश्चित है इस बार कोई नेता मानसिक नेता बनाया है या नहीं बनाया है मायने नहीं रखता है इस बार हमारे कार्यकर्ता मानसिकता बना के बैठे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे ये मानसिकता कार्यकर्ताओं में भी है और जनता में भी देखने के लिए मिल रहा है कई सारे ऐसे भी संगति है जो कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की आ, उसको लोग दबे जुबान में एक साल पहले से बोलते थे आज जैसे जैसे ही आचार संहिता का आ, समय आ रहा है वैसे वैसे खुलकर लोग बोलना शुरू कर दिए हैं मैम आप सांसद हैं और एक मतलब एक नामचीन सांसद एक लोकप्रिय सांसद हो गई और संसद में आपने बहुत सारे मसलों को उठाया बेबाकी से उठाया और माना जा रहा था कि आप एक अच्छे सांसद के रूप में आपका एक वो भी हुआ लेकिन अचानक विधानसभा चुनाव में आपको उतारने की तैयारी चल रही है किस तरह का देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का मायने इच्छा मायने नहीं रखता है कि मैं लोकसभा लड़ूं या विधानसभा लड़ूं या घर बैठूं या फिर ये किसी व्यक्ति का सोच को भारतीय जनता पार्टी हम लोग महत्व नहीं देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसको कहाँ उपयोग किया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी ने तय करता है और भारतीय जनता पार्टी का हम लोग हमेशा यही सम्मान देखते आए हैं मेरा भी बीस साल की सक्रिय राजनीति और अ, सत्ता में काम करने का जो अवसर मिला है मैं हमेशा से यही देखते आई हूँ कि अ, किसी व्यक्ति का विचार यहाँ नहीं चलता है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विचार का यहाँ सम्मान किया जाता है और बिल्कुल ही अ, भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान करता है जहां जिसको वो उपयोगिता समझे वो वहां उसको उपयोग कर सकता है मैम आप आप शुरू से को ज्यादा फोकस करती हैं आप कुनकुरी में मतलब आप कुनकुरी विधानसभा से बिलोंग भी करती हैं कुनकुरी को फोकस कर रही हैं विधायक पर अपने सीधे मतलब विधायक पर आप सीधे हमला करती हैं तो कुनकुरी पर ज्यादा फोकस करने की वजह से देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है एग... कुंकुरी विधानसभा मैं तो आठों विधानसभा में मेरे मैं उतना ही प्रेम करती हूँ और आठों विधानसभा के लोग मेरे को उतना ही प्रेम करते हैं लेकिन कुंकुरी विधानसभा मेरा गृह गृह विधानसभा भी है और लगभग मैं बीस साल मैं सत्ता में भी और संगठन में भी बीस साल मैं कुनकुरी विधानसभा में काम की हूँ तो यहाँ का एक एक रग रग चप्पा चप्पा मेरे को पता है कि कहाँ क्या होने वाला है मैं किसी से बोलती हूँ तो राजनीतिक भाषा मेरे को बोलना नहीं आता है मैं बोलती हूँ तो उनका कमी को हमेशा मतलब पारदि पारदर्शिता के साथ और बेबाकी से बोलने का मेरा एक आदत है जो मैं बोलती हूँ अब चूंकि अब चूंकि कुनकुरी विधानसभा से हैं कुनकुरी विधानसभा को फोकस करती हैं तो इसलिए सवाल कुनकुरी विधानसभा से है कि यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं और हिंदुत्व आ, कहा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल सनातनी हो गए हैं मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं बता रहे नहीं हमारे विधायक सनातनी है देखिए रही बात आठों विधानसभा का तो मैं आठों विधानसभा के विधायक से मैं किसी से आ, मतलब सीधा बैर नहीं लेती हूँ और उनका बिज आदमी व्यक्ति से मेरे को विरोध नहीं है उनका व्यक्ति व्यक्तित्व से मेरे को आ, मतलब आ, कोई दक, दिक्कत नहीं है लेकिन उनका विचारधारा का मैं विरोध हमेशा करती हूँ चाहे वो विधायक कोई भी हो चाहे रायगढ़ विधायक हो चाहे खरसियाँ हो चाहे आपका सारंगगढ़ हो चाहे धर्मजयगढ़ हो मैं हमेशा उनका विचारधारा का विरोध की हूँ वैसे ही विचारधारा कुनकुरी का विधायक का भी विचारधारा का मैं विरोध करती हूँ जिस तरह से जन जनप्रतिनिधि होने का एक गलत फ़ायदा उठाने का जो ये लोग आ, सोच रखते हैं उसका विरोध में करते हैं गलत फायदा कैसे उठा रहे हैं? आ देखिए एक जनप्रतिनिधि को किस तरह से रहना चाहिए लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए अधिकारियों के साथ कैसा रहना चाहिए छोटे कर्मचारियों के साथ कैसा रहना चाहिए ये आ, ये लोग भूल जाते हैं आ, जब ये लोग आ, अगर विचार की बात मैं करूँ तो ये लोग दिन को बात नहीं करते हैं और किसी के लिए अगर चिट्ठी भी लिखते हैं तो उनको खुद को पता नहीं रहता है कि मैं इस चिट्ठी में क्या लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ ये आ, मतलब खुद को पता नहीं रहता है ये लोग जब काम करने लगते हैं किसी चीज़ में तो रात को काम करते हैं और रात में क्या काम होता है क्या नहीं होता है ये सब कोई जानता है ऐसा नहीं है कि पब्लिक उतना बुद्धू है ये भी नहीं है जब आप काम करो तो बिल्कुल होश हवास के साथ काम करो और बे मतलब बेअदबी से बात मत करो अदबी से बात करो ये जनता का मांग भी रहता है और शिष्टाचार भी यही कहता है अभी एक आपका वीडियो आया था सामने में अब आप, आपने कहा था कि ये विधायक की गुंडागर्दी है ये विधायक अधिकारियों को रात में फ़ोन करते हैं मारपीट करते हैं विधायकों को गाली बकते हैं आप जब जब कुनकुरी विधानसभा में किसी अधिकारी के साथ अत्याचार हुआ है या किसी व्यक्ति के साथ अगर अत्याचार हुआ है तो दिन में नहीं हुआ है अगर सामने अगर अच्छा विचारधारा हो तो दिन में बात करना चाहिए रात में बात नहीं करना चाहिए जब जब आप घटना देखे होंगे चाहे दुल कांड हो चाहे किसी अधिकारी के साथ हो या किसी डॉक्टर के साथ मारपीट हो या फिर किसी अधिकारी के साथ गाली गलोच तो रात को हुआ है तो रात को आप गाली गलौज कर रहे हो बे आ, मतलब गुंडागर्दी कर रहे हो तो ये लोग तो यही समझेंगे और मैं भी यही समझूंगी कि तुम्हारा आ, लोग जनप्रतिनिधि होने का ये तरीका नहीं होता है आप बात जब भी करो तो दिन में अदब से बात करो रात में क्या गुंडागर्दी बात करना ये सब आ, जनता नहीं समझती है सब लोग समझते हैं बोलते कब है लोग लेकिन समझते सब हैं क्या अधिकारियों ने शिकायत की है आपसे की मत अब कई बार वीडियो हम वायरल हुआ है उसको देखे हैं अधिकारियों का तो शिकायत का बात ही नहीं है अधिकारी तो मेरे को बोलते भी हैं पर हम किसी अधिकारी का नाम क्यों लेंगे लेकिन जब वीडियो में वायरल होता है इन लोगों का गुंडागर्दी तो देखते हैं ना हम तो अच्छा मैम एक ही एक चीज़ और कि ये जैसे आपने कहा कि अभी एक भूमि पूजन की बात आई थी ये विधायक कहते हैं कि नहीं राज्य सरकार काम करवाती है राज्य सरकार के पैसे लगते हैं आपने कहा कि प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते विधायक सीधे अपने बात कहा था तो ये प्रोटोकॉल का क्या मसला होता है मतलब देखिए प्रोटोकॉल में हमेशा मैं अगर आप चाहें तो मैं आपका कॉपी दे सकती हूँ किसी कैबिनेट मंत्री का मुख्यमंत्री का पहले आ, नाम होता है उसके बाद किसी कैबिनेट मंत्री का होता है उसके बाद सांसद का होता है उसके बाद कोई संसदीय सचिव और विधायक का नाम होता है अगर कोई विधायक भी है तो विधायक से भी ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम होता है ये प्रोटोकॉल का नियम है अगर प्रोटोकॉल का अगर नियमावली अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको दे सकती हूँ ये प्रोटोकॉल की बात होता है रही बात किसी भी कार्य अगर इतना ही इन लोगों के पास पैसा है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में ही ये लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं ये लोग पीडब्ल्यूडी में भी पैसा लगाना चाहिए इतना राज्य सरकार के पैसा पास पैसा है तो ये लोग अगर केंद्र सरकार इन लोग को मदद नहीं करता तो राज्य सरकार तो भीख मांगने का स्थिति छत्तीसगढ़ में कर दिया है ये लोग क्या बात करते हैं कि यहाँ मतलब हमारे हमारा छत्तीसगढ़ का पैसा है उतना ही ज़्यादा पैसा है तो इतना रोड खराब है आज आ, लावाकेरा से लेकर के कुंकुरी तक का रोड देखिए आप आ, मतलब फरसाबहार से लेकर के बंदरचुआ का रोड देख लीजिए आप जा कर के देख लीजिए मैं अभी अभी दोनों रोड में चल के आई हूँ उतना ही पैसा है तो फटाफट पैसा लगाना चाहिए और रोड चकाचक बनाना चाहिए तो विधायक जी तो जांच तो करवा रहे हैं यूडी में तो कई बार जांच करवाए लोग तो उसमें आप लोग कहते हैं कि नहीं करवाने को पैसा ले लेते हैं अरे वो लोग तो जाँच इसीलिए करवाते हैं कि उनको पैसा मिले उनको विकास थोड़ी चाहिए उनको तो पैसा चाहिए विकास अगर करने का होता तो रोड अभी कब तक बन जाता लेकिन इन लोगों को मतलब विकास का नहीं है इन लोग मतलब पैसा का है विधायक का कहना है कि नहीं मैं गुणवत्ता चाहता हूँ किसी प्रकार नहीं करता गुणवत्ता का बात नहीं करें विधायक जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप मतलब चरे डांड से लेकर के जसपुर वाला दमेरा घाट का मतलब जो रोड बन रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सेंक्शन हुआ था बनना शुरू हो गया था आधा काम हो करके मतलब अभी क्यों बंद है भाई उतना ही आपको विकास चाहिए तो विकास अभी पाँच साल में क्यों नहीं कराये क्यों बंद करा दिए पैसा कमीशन नहीं मिला इसलिए बंद करा दिए यही विकास का नियम होता है क्या यही गुणवत्ता का नियम होता है आपको पैसा मिल जाए तो गुणवत्ता अच्छा हो गया और पैसा आपको नहीं मिले तो गुणवत्ता खराब है अगर इस तरह की बात होती एक 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 और बात जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार के पैसे आते हैं केंद्र सरकार का जो वो होता है लेकिन विधायक का कहना यह है कि केंद्र सरकार जो पैसे देती है प्रदेश सरकार को वो खैरात में नहीं देती है हमारा आके देखिए मेरे को तो हंसी लगता है अगर खैरात में नहीं देती है केंद्र सरकार पैसा तो केंद्र सरकार का बिना मदद का आप करो ना काम उतना ही पैसा है आपके पास तो अगर खैरात में ही तो मिल रहा है आ, मतलब आ, आ, हक का पैसा का बात करते हैं तो खैरात वाली बात करते हैं तो खैरात का नाम लेने क्यों आ जाते हैं भाई हक का पैसा है तो हक के साथ सांसद का भी होता है हक हक विधायक का भी होता है तो हक के साथ किसी भी कार्यक्रम में बुलाना चाहिए सांसद और विधायक भाई पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है लेकिन सांसद हम लोग सत्ता में बैठने वाले लोग हैं प्रोटोकॉल का नियम का फॉलो करना चाहिए जब भी आप दो उद्घाटन करते हो तो सांसद में इकलौती हूँ बीजेपी की बुलाना चाहिए हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और अपना योजना का आ, मतलब पब्लिसिटी पब्लिक के पास भी करना चाहिए हम भी अपना पब्लिसिटी अपना केंद्र सरकार का पब्लिसिटी पब्लिक के पास करेंगे क्यों नहीं करेंगे इतना ही खैरात की बात होता है तो खैरात का नाम क्यों लेने आ जाते हैं लोग अधिकार के साथ काम करना चाहिए ना खैरात वाली बात ये लोग करते हैं खैरात की बात आई तो एक बात जसपुर जिले में जब तीनों सीट कांग्रेस जीती तो एक जो हमारे जो जो भूतपूर्व थे हमारे विधायक स्वर्गीय वो बार बार कहते रहे कि यह सीट खैरात में मिली है तो क्या खैरात वापस लेना है देखिए वाकई में मैं भी ये बोलूँ तो बहुत अतिशयुक्ति नहीं है दोनों विधायक को जसपुर और कुनकुरी ये दोनों विधायक को खैरात में सीट मिला है ये लोग खैरात की बात करते हैं तो खैरात में मिला है इस बार किसी भी सूरत में दोनों विधायक कांग्रेस की नहीं रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा ये एक कहा जाता है कि एक अभी एक और मसला आया था कि ये लगातार विधायक चाहे जसपुर के विधायक हों चाहे कांग्रेस के चाहे कुलगुरी के विधायक हों ये लगातार ये आते हैं और थोक के भाव में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं इसको किस है? किस रूप में लेते हैं आप आज देखिए इन लोगों का ढोकोसला सब समझता है लेकिन दिखवा दो लेकिन ले, लेकिन पहले दिन गमछा पहना करके आप बोलोगे कि चेक चेक दे रहे हैं भाई आप लोग कीर्तन मंडली वाले लोग आ जाइए भाई चेक कोने कोई देने का नाम बोलेगा तो जाएगा ही अब जाएंगे चेक लेने के लिए और कांग्रेस का गमछा पहना करके आप फोटो खिंचा लेंगे पांच गोट को ज्वाइनिंग करवाएंगे तो शॉर्ट लिखवाएंगे और दूसरे दिन फिर उलट करके बयान आ जाएगा कि भाई हमको तो चेक लेने के लिए बुलाए थे हमको तो मतलब ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं बुलाए थे हम तो हमेशा से कट्टर बीजेपी के हैं हम तो बीजेपी के ही रहेंगे जब ऐसा दूसरे दिन बयान आता है तो इन लोगों को शर्म नहीं लगता है इस तरह का ढोखोसला करने आ, मतलब करके लोगों को बरगलाने का काम करता है जनता देखती है सबको और समय आने पर सबका जवाब मिलेगा हिसाब भी, भी लेंगे अब समय का इंतजार कीजिए मतलब मतलब थोक के जो, जो के में लोग कांग्रेस में मतलब सब पूरा फर्जी था सब फर्जी आप दूसरे दिन बयान जारी कर देते हैं लोग कि हम लोगों को तो ये लोग ठग करके बुलाए थे हम लोगों को तो चेक के नाम पर बुलाए थे हमको नहीं पता था कि ये लोग कांग्रेस का गमछा पहना करके फोटो सेशन करा रहे हैं दूसरे दिन बयान मतलब तुरंत आ जाता है कि हम लोग को तो ठग करके बुलाए थे हम लोग तो हमेशा से जन्म लेने से पहले बीजेपी के हैं ऐसा आप लोगों के पास वीडियो भी आप आता है देखते हैं अरे ये लोग इस तरह की मतलब नीचे हरकत राजनीति करते हैं ये बहुत ही गलत मानसिकता दर्शाता है अच्छा मैम सबसे आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जहाँ आठ विधानसभा में कई सारे ऐसे विधानसभा में जहाँ पर आपकी मांग चल रही है लोग नहीं हमारे यहाँ सुनाओ लड़ेंगी हमारे यहाँ सुनाओ लड़ेंगी आपका पसंद क्या है अरे देखिए मेरा पसंद नहीं पसंद उसमें कुछ मैंने नहीं रखता है मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का आदेश का पालन करती हूँ नहीं लेकिन एक वो तो होगा ना कि मतलब कहाँ हमको कहाँ लड़ना है कुछ तो पार्टी तो कुछ तो है की? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मतलब पार्टी जहाँ आदेश करेगी आप वहाँ जहाँ आदेश कर दे हम एक छोटा सा सिपाही है पार्टी का पार्टी का हमेशा हम सम्मान करते आए हैं हमेशा करते रहेंगे कुनकुरी से पार्टी आपको मौका दे रही है ऐसा कहा जा रहा है आ अभी तक ऐसा कुछ लोग तो बहुत सारा चीज़ें बोलेंगे अभी चुनावी वर्ष है आज आ, किसी को दे देंगे टिकट तो कल किसी को दे देंगे टिकट फाइनल वाकई में मतलब कल भविष्यवाणी चल रही है अभी भविष्यवाणी चल रही है आकलन लगाते हैं लोग लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी बड़ा आ, मतलब के डरबेस पार्टी है बड़ा सोच समझ कर करके अपना रणनीति तय करती है और जहां जिसका उपयोग हो वहां उसका उपयोगिता का आ मतलब उपयोग करते हैं मतलब आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं आ देखिए मैंने पुनः बार बार कहीं मेरा मानसिकता ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के आदेश का पालन हमेशा मैं करते आई हूँ और करते रहूँगी तो ये थी हमारे साथ सांसद गुमतीस है जिन्होंने हर मसले हर सवाल का जवाब बहुत बेबाकी से दिया बेबाकी से बोलती भी हैं सारी बात को साफ साफ बताया लेकिन चुनाव कहाँ से लड़ना है चुनाव लड़ने की तैयारी कहाँ है पार्टी का पार्टी का क्या प्लान है इस पर बाकी सभी नहीं बोल रही हैं वक्त आएगा तो बोलेंगी तब तक के लिए बना रही है हमारे साथ देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ और मुनादी डॉट कॉम द वॉइस ऑफ वॉसलेस नमस्कार